हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आज शाम आपको लेके क्या महसूस कर रहे थे, उनकी आपको लेके क्या फीलिंग्स हैं। ओके, तो हम जो फोकस करेंगे आपके पर्सन की एनर्जी पे करेंगे, तो आपको भी अपने पर्सन के बारे में ही सोचना है। रीडिंग जनरल है, आप किसी भी पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, मैरिड, अनमैरिड, आपसे छोटे बड़े जो भी हो पर्सन आपके, आप उसके लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होंगे जो टाइम बाय टाइम आपके साथ में शेयर होंगे यहाँ पे। ओके, तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर नहीं किया है तो शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की आपको लेके क्या है फीलिंग्स राइट नाउ की। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स के बारे में प्लीज़ हमें बताएं, वो मेरे व्यूवर्स को लेके क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं वो, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। वी हैव मैजिशियन, डेथ, सेवन ऑफ कप्स। ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड, ठीक है, हैरियोफेंट एंड टेम्परेंस बॉटम से हमारे पास आए हैं। ओके, यहाँ से भी मैं आपके लिए कुछ कार्ड ले रही हूँ, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या है उनके मन में। ओके, सो वी हैव द पोस्टपोनमेंट, फ्लावरिंग, अबंडेंस, मैच्योरिटी। ओके, ठीक है, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर रही हूँ पहले। ओके ओके व्यूवर्स, देखिए सबसे पहले मैं आप दोनों की एनर्जी को यहाँ पे जो डिफाइन कर पा रही हूँ वो ये दिखाता है कि आप इस रिश्ते को लेके काफ़ी स्ट्रांगली कोई डिसीजन ले चुके हो, ठीक है। मे बी आपके दिमाग में एक बात है और आप उसी को लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो आप लोग, आप लोगों को क्लैरिटी पता है और आप इस कनेक्शन को बहुत ही केयरफुली कहूँ या फिर इसको कहूँ कि बहुत ही मैच्योरिटी के साथ में, या फिर ये कहे कि एक अलग ही लेवल लेके आप लोग चल रहे हो। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कनेक्शन फ़िलहाल मुझे आप ही संभालते हुए नज़र आ रहे हो एज़ कम्पेयर टू योर पार्टनर, राइट? क्यों? क्योंकि व्यूअर्स अगर देखा जाए यहाँ पे तो आपके पर्सन मे बी या तो इस कनेक्शन को लेके श्योर नहीं है या ये कहें कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि रिश्ता अगर वो आगे लेके जाते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं, राइट, या वो आपकी तरफ आते हैं, क्या उन्हें वो खुशी मिल पाएगी जो वो सोच के चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कनेक्शन को लेके क्लैरिटी में डिफरेंस मुझे काफ़ी नज़र आता है। ऐसा भी है कि इनकी इस तरह की जो एक हैबिट रही है, इसको हैबिट कहूँगी मैं, कि बार बार आपके पर्सन ने मे बी आपकी जो बात है उसे टाला है। आपने इनसे कुछ कहा, इन्होंने उसको टाल दिया। आपने कोई बात करने को कहा, इन्होंने उसको टाल दिया। आपने कोई काम करने को कहा, इन्होंने उसको टाल दिया। या फिर आप बहुत स्ट्रांगली क्विकली डिसीजन लेने वाले और ये पर्सन हमेशा क्विकली डिसीजन लेने से बचने वाले या बचने वाली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि या तो इनके पास में ऐसा हो सकता है कि ये जो इस तरह के डिसीजन को अगर पोस्टपोन कर रहे हैं आपके साथ में आना है, या फिर आपके साथ में रिश्ता कहीं ना कहीं जोड़ना है, या फिर इसको पेरेंट्स के सामने डिस्क्लोज करना है, या फिर लोगों के सामने कहना है, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं मतलब इस रिश्ते में आगे जो बढ़ने वाली एनर्जी है ना, आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसी वजह से, यानी कि आपके पर्सन का बार बार आपकी कही हुई बातों को इग्नोर करना, टाल देना, इसने आपको बहुत बदल दिया। मतलब आप पहले हो सकता है बहुत ही जेंटल पर्सन रहे हो, बहुत हंसते हो, मुस्कुराते हो, बहुत इजीली लाइफ को लेके चलते हो, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि
आपने इस पर्सन को संभालने में या फिर इस रिश्ते को संभालने में इतने एफर्ट्स कहीं ना कहीं लगा दिए हैं कि अब आपको एक हैबिट सी हो गई है, मतलब बहुत बड़े लेवल पे सोचना या फिर बड़े लेवल पे काम करना, इस तरह समथिंग लाइक आप समझ सकते हो, जैसे कि होता है ना, एक घर का बड़ा होता है सदस्य, उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है, उसको सबको संभाल के लेके चलना है, और वो उसको कोई कहता नहीं है कि तुम ये जिम्मेदारी उठाओ, लेकिन फिर भी वो पर्सन जो होता है वो जिम्मेदारी उठाता है, क्योंकि उसको पता है भाई ये रिश्ता कितना वैल्यूबल है या ये हमारा जो परिवार है कितना वैल्यूबल है। अगर मैंने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई तो ये ऑब्वियसली ये रिश्ता ख़त्म होगा या फैमिली टूटेगी या फिर कहीं ना कहीं रिश्ते टूटेंगे। तो जिम्मेदारी सिर्फ इस बात की उठाई जाती है कि भाई रिश्ता जो है, परिवार जो है, अपने लोग जो हैं वो जुड़े रहें, ताकि एटलीस्ट एक बॉन्ड तो रहे, है ना, जो बॉन्डिंग है ना वो। यहाँ पे जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है, चाहे आप फीमेल हो या मेल हो, इस बात को मैं यहाँ पे अच्छे से समझ सकती हूँ। मे बी सम केसेस, इन सम केसेस ये भी हो सकता है कि आपका जो पर्सन है वो घर का छोटा होगा या फिर आप घर के बड़े होगे, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना आपकी, कहीं ना कहीं वो यही दिखाती है कि आपके ऊपर हमेशा से रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही हैं। मे बी आप घर में, अपने घर में सबसे बड़े हो, या फिर आप आफ्टर मैरिज हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पे घर में बड़े बन गए हो, लेकिन जिम्मेदारी जो बड़प्पन वाली होती है ना वो आप निभा रहे हो इस रिश्ते में भी, अगर मैं बोलूँ तो आपकी एक टेंडेंसी है कि भाई सारी जिम्मेदारी उठानी है, निभानी है, चाहे कोई कहे ना कहे, तो आप इस रिश्ते को भी निभा रहे हो, चला रहे हो। अगर आप यहाँ पे हट जाओ तो डेफिनेटली रिश्ता एंड हो जाएगा, ये तो होना ही है यहाँ पे। अगर आप हट जाओ पीछे, आप कह दो ठीक है तेरे को जो करना है कर, मैं पीछे हटती हूँ या मैं पीछे हटता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या एक्शन लेते हो तुम, तो ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे और ये रिश्ता ऐसे ही खाली डब्बे में चला जाएगा। जैसे बोलते हैं ना कि भाई कुछ नहीं पता इस रिश्ते का, क्या भविष्य है, क्या भविष्य नहीं है, तो आपको भी पता है, आपको भी इस बात का लेके डर लग रहा है कि ये जो रिश्ता है भाई, एक तरह से देखा जाए आपको इस बात का डर है, ठीक है, ये रिश्ता एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, जो रिश्ते की जो हम सोच के चल रहे थे, आप प्लानिंग लेके चल रहे थे, वो रिश्ता ये आगे सर्व नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ये चीज़ें हो रही है ना आपके रिलेशनशिप में। तो इसकी एक वजह मैं आपको एक बता दूं कि हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में, एक तो वो इस रिश्ते को लेके श्योर नहीं हो सकते हैं, दूसरा या फिर इनकी तरफ कुछ और बाय फैमिली हो सकता है कि इनको फैमिली की तरफ से रिश्ते दिए जा रहे हैं, और आपको भी हो सकता है आपको भी रिश्ते मिल रहे हो आपकी फैमिली की तरफ से, लेकिन आप इस रिश्ते में स्टक हो तो इस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। लेकिन ये जो पर्सन है वो जो ऑप्शंस हैं उनको देख के थोड़ा कन्फ्यूजन में आ गए हैं कि उनको अब चुनना है आपको या फिर वो जो ऑफर्स आ रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है। कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा कहते हैं ना, एक लालच सा दिया जा रहा है कि हाँ भाई ये रिश्ता अगर तुम चुनते हो तो इससे तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये एक सिचुएशन नज़र आती है। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन इस सिचुएशन से निकलने के लिए, जो इनकी एक हैबिट है पोस्टपोन वाली, इस चीज़ को जो मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत जल्दी हो सकता है कि आपकी तरफ कोई एक स्ट्रांग डिसीजन लेके आए आपके पर्सन, मे भी आपसे बात करने में भी हिचकिचाते और कतराते हुए मुझे नज़र आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि कहीं ना कहीं व्यूवर्स में अगर यहाँ पे देखूँ, ये जो बॉटम से हमारे पास कार्ड आया है सोरो का, ये यही दिखाता है कि आपके पर्सन को समवेयर उनको भी एहसास हो रहा है, उनको भी इस तरह का फीलिंग तो होती है कि वो कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ खो रहे हैं, ठीक है। ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको पता नहीं होता कि आप क्या खो रहे हो या क्या आपके हाथों से छूट रहा है, तो इस पर्सन को नज़र आ रहा है कि इसके हाथों से कहीं ना कहीं, जाने ना जाने अनजाने ही सही, पर कुछ तो गलत हो रहा है, ये गलत कर रहा है आपके साथ में, ठीक है। मतलब कहते हैं ना, ये अंतरात्मा की पुकार होती है, इंसान को पता होता है कि वो किस दिशा में जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इसीलिए मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ये जो पर्सन है ये एक्सेप्टेंस वाले मोड में है, मतलब अपनी गलतियों को स्वीकार करने वाले मोड में है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि आपने इस पर्सन को सुनाया बहुत है। अब आप कहोगे कि ये शौक हो गए होगे या तो सोच के, या फिर ये कहूँगी कि आपके पर्सन ऐसा, आप तो बोलते नहीं हो, ये ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा देख रही हूँ व्यूवर्स, क्योंकि आपकी एनर्जी ना इस समय बहुत ही ज़्यादा अटैकिंग एनर्जी, कहूँगी इसे अटैकिंग एनर्जी है, मतलब सामने वाले के मतलब बातों से ही उसको घायल कर देने वाली एनर्जी है आपकी। तो आपकी बातों में इस समय मिठास नहीं है, आपकी बातों में इस समय कटाक्ष है, ताने हैं, ठीक है, आर्ग्यूमेंट नज़र आते हैं, और
ये इसलिए है क्योंकि आपका नेचर चेंज हो चुका है। पहले आप ऐसे नहीं थे, लेकिन अब आप ऐसे हो गए हो। और ये जो पर्सन है, इनको ऐसा लगता है कि अब आप इनकी इनके ऊपर कुछ ज़्यादा या तो प्रेशर बना रहे हो, और इनकी गलतियों को रियलाइजेशन को इतना करवा रहे हो जिससे बहुत ज़्यादा डीप महसूस करें अपने आप को, जैसे धंसा हुआ, कैसे धंस जाता है ना इंसान, अपने ही दलदल में धंस जाता है बातों में है या सिचुएशन में। तो आप इनको बार बार इनको गिल्ट फील करवा रहे हो कि देखो तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, अगर तुम वक्त रहते डिसीजन ले लेते तो ऐसा नहीं होता, हमारा रिश्ता ख़राब नहीं होता। और अब जब तो सिचुएशन तुम्हारे सामने क्रिटिकल हो गई है तो तुम मेरे साथ में ऐसा कर रहे हो, या फिर तुम्हें ऐसा करना चाहिए, स्ट्रांगली तुम्हें ऐसा करना चाहिए, समथिंग लाइक कुछ मुझे ऐसा नज़र आता है। तो ये जो पर्सन इनको इस समय मैं देख रही हूँ, एक तो ये कन्फ्यूज़न में भी है, और इस समय आपकी जो बातें इनको हर्ट भी बहुत ज़्यादा कर रही हैं। अब हर्ट के साथ साथ रियलिटी चेक भी करवाया जा रहा है कि हाँ भी रियलिटी देखो, तुम्हारी रियलिटी ये थी और तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, समथिंग लाइक। तो ये मैं आप इनको ये एहसास दिला रहे हो कि तुम ये कर सकते हो, तुम कैपेबल हो, तुम ये कर सकते हो, तुम आ सकते हो, तुम ये एक्शन ले सकते हो, अगर तुम चाहो तो ये रिश्ता अभी भी बच सकता है। आप इसको फ्री नहीं कर रहे हो, इस पर्सन को, चाहे फीमेल हो या मेल हो, जो भी हो, आप इस पर्सन को प्रोवोक कर रहे हो। प्रोवोक करने की वजह से मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है भी कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि ये अपने परिवार को लेके, या तो इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये उनके सामने बोले। हाँ, हो सकता है आपके सामने ये हमेशा से दिखाते होंगे मैं ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगी या फिर मेरा हो जाएगा, जो भी है। इन्होंने लोगों में तो अपनी पहचान एक अलग बनाई हुई है, लेकिन फैमिली वालों के सामने इनकी पहचान बिल्कुल अलग है, या जो थर्ड पार्टी हो सकती है आपके रिलेशनशिप में, जिस भी तरह से, ठीक है, ये उनके सामने बिल्कुल अलग ही बन जाते हैं, जस्ट लाइक अ भीगी बिल्ली टाइप, ये कहना बहुत सही रहेगा। वैसे आपके सामने दिखाते होंगे शेर शेर, लेकिन यहाँ तो आप शेर बन गए हो, यहाँ पर आपके पर्सन आपके सामने, उनकी आपके भी सामने भी नहीं चल रही है और उधर भी नहीं चल रही है। तो ये पर्सन मुझे इसी सिचुएशन में नज़र आते हैं, इनकी हालात अच्छे नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत बहुत परेशान है, संभालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यूज़ करूँ क्या करूँ ऐसा भाई सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, ये कुछ सिचुएशन है यहाँ पे, क्योंकि परिवार वाले भी ना एक अपना ही माइंडसेट लेके चले। अगर ये कहीं ना कहीं आप लोगों में अगर फैमिली लेके इशू है तो मैं आपको बता दूँ, वो जो लोग हैं ना उनका बिल्कुल अलग माइंडसेट है, उनकी अपनी अलग स्ट्रेटेजी है, वो कहीं ना कहीं यही कोशिश में है कि आपका रिश्ता ना बने, एंड हो जाए, राइट। और आपका फोर्स ये है कि भाई ये जो रिश्ता एंड हो रहा है इसको दोबारा से रियलाइव कर लो। तो ये जो सिचुएशन है ये होती है इंसान को दो भागों में बांट देने वाली, तो ये दो भागों में बटे हुए मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं। समझ में नहीं आ रहा इनको क्या करना चाहिए, ज्ञान की ज़रूरत है इनको किसी अन्य अदर पर्सन से, आपसे नहीं। मैं कहूँगी आपसे ज्ञान बिल्कुल नहीं लेना चाहते ये, क्योंकि आप तो इनको ताने मारते हो और जो इंसान ताने मारे, ठीक है, वो ये उससे बात नहीं करना चाहते हैं फिलहाल। मैं ये नहीं कहूँगी आपसे नफरत करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन आपकी एनर्जी ना थोड़ी सी ताने मारने वाली थोड़ी ज़्यादा हो गई है, उसको थोड़ा सा मैं कहूँगी कि ये उसे घबराते बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि अब आपको कंट्रोल करना इनके बस की बात नहीं है। तो आप दोनों में इसलिए एनर्जी का मिसमैच होता मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए देखती हूँ यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन या आपके पर्सन क्या ले सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें इनके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इनके पर्सन का, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स की तरफ इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड अस प्लीज हेल्प अस। ओके, देखो वी हैव द एट ऑफ कप्स एंड टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी है ये यहाँ पे। इमोशनली डिस्टर्ब है, कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी कोई एक्शन नहीं ले सकते बहुत रिसेंटली, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं देखूंगी, लेकिन हाँ एक्शन लेने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर हो रही है। सेवन ऑफ वैंड स्ट्रगल को भी यहाँ पे दिखाता है, यहाँ पे हार्डवर्क को भी दिखाता है, यहाँ पे फेस करना भी दिखाता है, लेकिन हाँ ये जो है ये इस एनर्जी से निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी कि जो अभी करंट एनर्जी चल रही है आपको इग्नोर करना है, या फिर आपके रिलेशनशिप को अभी आपको लग रहा है कि इसको वैल्यू नहीं पता मेरे रिश्ते की या फिर मेरी, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये आपको लेके कुछ ना कुछ तो ज़रूर एक्शन लेंगे, इस एनर्जी से निकलने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आप आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ठीक है, या फिर कुछ दिन बाद इनसे कुछ नेक्स्ट एक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। एक्शन में ये नज़र आएगा कि आपके फेवर में ही कहीं ना कहीं जाता हुआ नज़र आता है, सो दैट ये सिचुएशन से बाहर निकलें और आपको भी क्लैरिटी मिले, इनको भी क्लैरिटी मिले।
ठीक है, ताकि एक नई शुरुआत अच्छे से बेहतर तरीके से की जा सके। ठीक है, तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए आज शाम की। आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। और व्यूवर्स एक बात और बता दूँ, ये रीडिंग आपके सामने जब भी आएगी ये आपसे रेजोनेट करेगी, क्योंकि जब भी यूनिवर्स चाहेंगे आपको कोई मैसेज देना तभी वो रीडिंग आपके सामने आएगी। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को अगर नहीं किया है तो, वीडियो को भी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक योर सेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।